गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन के टॉपिक डिजिटल सिग्नल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एनालॉग सिग्नल एंड अ डिजिटल सिग्नल। सो लेट्स स्टार्ट। देर आर टू बेसिक वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज विद विच वी कॉन्स्टेंटली डील इन अवर डे टू डे लाइफ। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार, जो ये बुक आती है, इसको हम एक रेफरेंस के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो वन ऑफ द वेज रेफर टू एस एनालॉग इज टू एक्सप्रेस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एज ए कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वैल्यूज बिटवीन द टू एक्सपेक्टेड एक्सट्रीम वैल्यूज। सो एक तरह का कंटिन्यूअस पैटर्न होता है हमारे एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ एन सेटेबल एनीवेयर फ्रॉम 0 to 100 degree centigrade मे बी मेजर्ड टू बी 65 degree centigrade और 64.96 degree centigrade और 64.958 degree centigrade, और इवन हम देख सकते हैं कि जो हमारा तापमान है, पहले हमने उसको दशमलव के जीरो अंकों तक कंसीडर किया, उसके बाद दशमलव के दो अंकों तक, फिर दशमलव के तीन अंकों तक, और यद्यपि हम चाहें तो उसे हम दशमलव के चार अंकों तक भी ले सकते हैं। एंड सो ऑन डिपेंडिंग अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी हमने एक एनालॉग सिग्नल का एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया है, जो कि टेम्परेचर को हमने एज ए एनालॉग सिग्नल लिया। सिमिलरली, वोल्टेज अक्रॉस अ सर्टेन कॉम्पोनेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मे बी मेजर्ड एज 6.5 volt और 6.49 volt और 6.487 volt और 6.4869 volt। द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज डिपेंडेंट एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट का हमने यहाँ पर पुनरावृत्ति की है और देखा है कि जो एक कंपोनेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज का मेजरमेंट है, हमने पहले दशमलव के एक स्थान तक, फिर बाद में दशमलव के दो स्थान तक, ऐसे फिर तीन और चार अंकों तक हमने इसका मेजरमेंट किया है। द अंडरलेइंग कॉन्सेप्ट इन दिस मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दैट वेरिएशन इन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉन्टिन्यूअस एंड कुड हैव एनी ऑफ द इनफाइनाइट थियोरेटिकली पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। तो खास बात हमने यहाँ पर ये देखी है, क्योंकि जब कॉन्टिन्यूस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं तो देयर मे बी इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स, अनंत संख्याएं हो सकती है। अब हम चलते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल की ओर। द अदर पॉसिबल वे रेफर्ड टू एज डिजिटल रिप्रेजेंट्स
the numerical value of the quantity in steps of the discrete values. यहां पर जो हमारी क्वांटिटी होती है उसको स्टेप्स में एक डिस्क्रीट वैल्यू के रूप में लिया जाता है. अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं. द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर मोस्टली रिप्रेजेंटेड यूजिंग बाइनरी नंबर्स. अब हम क्योंकि एक डिजिटल सिग्नल की बात कर रहे हैं तो जो डिजिटल सिग्नल है दैट मीन्स सम स्टेप्स आर देयर. तो डिजिटल सिग्नल का सबसे जो बेहतरीन और इजी एग्जांपल हम देखते हैं वो हमारा बाइनरी सिग्नल होता है जहाँ पर हमारे पास दो स्टेप्स होती हैं. फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ द ओवन मे बी रिप्रेजेंटेड इन स्टेप्स ऑफ 1 degree centigrade एज 64 degree centigrade, 65 degree centigrade और 66 degree एंड सो ऑन. जो हमारे बच्चों घर में ओवन होता है तो जब उसका जो टेम्परेचर का डिस्प्ले मीटर है जब उस ओवन का तापमान बढ़ता है तो उसे 1 degree की स्टेप्स में हम शो कर सकते हैं जैसे 64 degree, 65 degree, 66 degree एंड सो ऑन. टू समराइज व्हाइल एन एनालॉग रिप्रेजेंटेशन गिव्स अ कंटिन्यूअस आउटपुट अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूसेस अ डिस्क्रीट आउटपुट. एनालॉग सिस्टम्स कंटेन डिवाइसेस दैट प्रोसेस और वर्क ऑन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड इन एनालॉग फॉर्म. डिजिटल सिस्टम्स कंटेन डिवाइसेस दैट प्रोसेस द फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड इन डिजिटल फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक अभी हमने एक चर्चा की है जहाँ एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बेसिक्स को हमने जानने की कोशिश की है. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्निक्स जो टॉपिक है उसको कवर किया था. शॉर्ट में आज एक बार पुनः उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. डिजिटल टेक्निक्स एंड सिस्टम हैव द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग रिलेटिवली मच इजियर टू डिजाइन एंड हैविंग हायर एक्यूरेसी, प्रोग्रामेबिलिटी, नॉइस इम्यूनिटी, ईजियर स्टोरेज ऑफ डेटा एंड ईज ऑफ फैब्रिकेशन इन इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर्म लीडिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस इन स्मॉलर साइज. तो हमारे अक्सर 2 नंबर का ये क्वेश्चंस पूछा जाता है जो हमारा रिटर्न पेपर होता है उसमें कि डिजिटल टेक्निक्स की एडवांटेजेस क्या होती हैं ओवर एनालॉग सिग्नल्स. तो हमें यहाँ पर ये चीज लिखनी है. द रियल वर्ल्ड हाउ एवर इज एनालॉग. जो हम इस भौतिक जगत में जिन भौतिक राशियों की बात करते हैं वो एनालॉग होती हैं. मोस्ट फिजिकल क्वांटिटीज लाइक पोजिशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्लो रेट आर एनालॉग इन नेचर. दैट इज वाई एनालॉग वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग दीज क्वांटिटीज नीड टू बी डिजिटाइज्ड और डिस्क्रीटाइज्ड एट द इनपुट इफ वी वॉन्ट टू बेनिफिट फ्रॉम द फीचर्स एंड फैसिलिटीज दैट कम विद द यूज ऑफ डिजिटल टेक्निक्स. तो डिजिटल सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं उनको डिजिटाइज्ड और डिस्क्रीटाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इन अ टिपिकल सिस्टम डीलिंग विद एनालॉग इनपुट्स एंड आउटपुट्स एनालॉग वेरिएबल्स आर डिजिटाइज्ड एट द इनपुट विद द हेल्प ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ब्लॉक
and reconverted back to analog form at the output using a digital to analog converter blocks. तो स्टूडेंट्स ये बातें हम हमारे सिलेबस में आगे की ओर आएंगी कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या होता है. सो आई होप कि आज का जो ये ई लेक्चर है इसके माध्यम से हम बेसिक एक चीज़ जान पाए हैं कि एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूस नेचर का सिग्नल होता है और डिजिटल सिग्नल के अंदर स्टेप्स पाई जाती है. और डिजिटल सिग्नल का जो सबसे प्राइमरी बेसिक उदाहरण है वो हमारा बाइनरी सिग्नल होता है जिसके अंदर दो स्टेप्स पाई जाती हैं, लॉजिक वन और लॉजिक ज़ीरो. आने वाली कक्षाओं में भी हम देखेंगे कि लॉजिक वन का मतलब क्या होता है, हायर लॉजिक, और लॉजिक ज़ीरो जो है जिसको कहते हैं हम हमारा जो लो लॉजिक होता है, इसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे. लेकिन आज का जो टॉपिक था हमारा बड़ा इजी टॉपिक है, डिजिटल सिग्नल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. धन्यवाद.